सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग्स, वेलकम्स आपका बहुत ही इस रियल एनालिसिस के लेक्चर्स में। दिस आर टेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ सी एस आई एन एट दिसंबर 15 क्वेश्चन नंबर 71 सेट बी रिलेटेड ऑफ द अगेन यूनिफॉर्म कन्वर्जन एंड कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल वे में हम इसको सिर्फ प्रूव करेंगे। सो बिफोर वाज माई वीडियोज, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब्स, लाइक्स एंड शेयर। सो नाउ कम टू द फ्रेंड्स पॉइंट्स। कह रहे हैं कि कंसिडर द ऑल सीक्वेंस ऑफ दिस रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन जीरो टू इन्फिनिटीज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हम एक सिंपल मान लीजिए, अगर हम एक सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज एफ वन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन स्क्वायर। इज कंसिडर द सीक्वेंस, सपोज मान लीजिए एन जो होगा आपका लेस देन आर इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। एक सीक्वेंस हमने एक जनरल कंसिडर कर लिया। अब देखते हैं वट इज द फर्स्ट, इफ़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो क्या ये रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है, दैट इज हियर। तो सिंपल दैट वी गेट हियर, सो वट इज एफ ऑफ एक्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन स्क्वायर दैट इज जीरो, मीन्स लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है आपका, दैट इज हियर, मीन्स पॉइंट वाइज लिमिट्स हियर। This is point wise limit on 0 to infinities. So first portion here is completed. Next अब आते हैं हम uniform convergent की तरफ आते हैं। तो अगर mod of fx fn by n test so is equal to x upon n square equal to mod of this is a 1 upon n square, this is a mn is equal to 1 upon n square by p test which is convergent. So which is the convergent means mn is convergent or fnx is कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, डोंट प्रॉब्लम। सो एफ एन एक्स इज हेयर दैट इज हेयर, इट मीन्स एम एन एक्स इज कन्वर्जेंट, सो एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, नो प्रॉब्लम, दैट इज प्रूफ इज बाई। अब वर्क है यू फाइंड आउट दिस, सो लिमिट ऑफ n tending to infinities 0 to infinity x upon n square dx, so simplifications limit n tending to infinities here, so n ko hum kya consider, so here consider kar lete friend, this is the n, so here is n, ek simple way mein consider kar liya, 0 to infinity hai to 0 to n consider kar liya aur dx, so 1 by n add it is 1 by n square here, this is x square by 2 0 to n, simple way mein ja sakte hain, 1 upon n square into n square upon 2, this is 1 by 2, here is find out 1 by 2, so now n 0 to fx dx 0 to x, oh sorry, to 0 to n fx dx fx dx, तो एफ एक्स इज इनफाइनाइट है, इट मीन्स सॉरी एफ एक्स जीरो, सो दैट वैल्यू इज जीरो, इट मीन्स इट इज क्लियर हियर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स। एक जनरल ऑप्शन ऑप्शन हमने एक सिंपल लिया और इससे के थ्रू हमने प्रूव कर लिया कि वट यू गेट वट इज योर करेक्ट आंसर। एक सिंपल आप दूसरा भी डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं, पहले क्या है हेयर एक ऐसा, अब देखिए वन बाई वन अगर सेपरेट करना है आपको तो क्या कर सकते हैं कन्वर्स टू पॉइंट वाइज, तो एक ऐसा आपको लिमिट सिक्वेंस कंसिडर करना होगा जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, फिर आफ्टर देन आप चेक करना कर सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जो सब पे अप्लीकेबल्स हो, सो अगर इफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दिस तो इक्वल टू दिस, so fn is a point wise convergent but not equal to this, so that is wrong because here is not equal, that is equal here. Next
एफ एन कन्वर्स टू इन यू फॉर्मली, नो प्रॉब्लम, कन्वर्स इन यू फॉर्मली हियर, बट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स, सो देयर इक्वल्स, सो सेकेंड इज रॉन्ग. इफ एन एफ एन कन्वर्स इन यू फॉर्मली ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन जीरो टू इन्फिनिटी. तो ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो दैट इज हियर एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस. दैट इज सिंपल प्रॉपर्टीज है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एंड देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एन एक्स जीरो टू इन्फिनिटी सच दैट कन्वर्स टू यूनिफॉर्मली दिस जीरो टू इन्फिनिटी बट नॉट इक्वल टू दिस. So that not equal to this. So answer. So 3 and 4 option is correct. Any other is wrong. So देखिए logical है, आप बहुत सारे problems examples लेकर के आप solve कर सकते हैं. तो वो another methods. So thank you and bye bye.